मंगलवार को पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य वर्मा ने एक अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि गाड़ी चलाते समय हेडफोन का प्रयोग ना करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, साथ ही साथ वाहनों की जरूरी कागजात अवश्य रखें। इस दौरान वाहन स्वामियों ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए भरोसा दिया। पुलिस अधीक्षक यातायात ने स्कूल वाहनों को भी चेक किया। स्कूल वाहनों में आग से बचाव के लिए उपकरण सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं, दुर्घटना के दौरान आपातकालीन खिड़कियों से कैसे बाहर आए इसकी जानकारी बच्चों को है कि नहीं है, इन सभी चीज़ों की जांच किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य वर्मा ने कहा, ये हम लोग ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के लिए एक सुधारात्मक उपाय के रूप में, जिसमें कि हम लोग दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनको यातायात के नियमों के पालन करने के महत्व को बताया जाता है और उनके ना पालन करने से क्या नुकसान होते हैं, इस विषय में उनको पूरा जानकारी दी जाती है और साथ में उनसे भी इंटरेक्शन लिया जाता है, उनसे भी प्रश्नोत्तरी टाइप की हम लोग करते हैं कि भाई आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हुए हैं, आप कार में लीड क्यों डाल के ले जा रहे हैं, आप तीन सवारी क्यों जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या साइकोलॉजी, वो किस साइकोलॉजी के अंतर्गत ये काम करते हैं, ये हम लोग उनसे पूछते हैं और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, लोग आश्वासन दे के जाते हैं। हम लोग उनसे शपथ पत्र भी लिखवाते हैं कि आप जो है मतलब आप लिखिए कि कल से मैं हेलमेट धारण करूँगा और उनका पूरा हम लोग डाटाबेस तैयार कर रहे हैं कि दोबारा अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। सर क्या प्रतिक्रिया होती है उन लोगों की, वाहन चालकों की? उन लोगों के चेहरे पे एक गिल्ट कॉन्शियस होता है, आत्मग्लान के भाव होते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ उनमें आत्मग्लान का भाव होता है, तो मुझको लगता है कि वो जो है मेरी इस पहल पे जो है लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करना चालू करेंगे और हेलमेट को धारण करेंगे।